एक बार की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन राजू के मन में आया कि लोगों को भूत बनकर डराया जाए। वह सांस रोककर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन राजू चुपचाप आंखें बंद किए बैठा रहा। उसकी पत्नी रोती हुई बाहर निकली, हे भगवान, लगता है ये सचमुच मर गए हैं। और वह आस पड़ोस वालों को बुला लाई। राजू उसी तरह बिना सांस लिए, बिना हिले डुले बैठा रहा। पड़ोसियों ने भी समझा कि राजू मर गया है। वे बोले, अब इसका दाह संस्कार करना चाहिए। वे राजू को लेकर नदी किनारे आए, उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया, फिर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी। राजू ने जब देखा कि पड़ोसी चिता में आग लगाने जा रहे हैं, तो वह लकड़ियां फेंककर उठ खड़ा हुआ। जब पड़ोसियों ने राजू को इस तरह उठकर खड़ा होते देखा, तो भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। राजू उनके पीछे रुको रुको कहता हुआ भागा। गांव पहुंचकर वे बोले, राजू मरकर भूत बन गया है और गांव की तरफ आ रहा है। इतना सुनना था कि सारे गांव वाले अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। जब राजू गांव में पहुंचा, तो वहां सन्नाटा छाया था। राजू अपने घर की तरफ चल दिया। राजू की पत्नी नगमा ने भी सुन लिया था कि उसका पति भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लिया। घर पहुंचकर राजू बोला, नगमा दरवाजा खोलो, मैं राजू हूँ। नगमा बोली, तुम राजू नहीं, राजू के भूत हो। कृपया करके यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध कर दूंगी और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाऊंगी। बस तुम यहाँ से चले जाओ। राजू दरवाजा खटखटाता रहा, पर नगमा ने दरवाजा नहीं खोला। राजू, अब मैं क्या करूँ? मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही है कि मैं भूत नहीं हूँ। राजू ने सारा दिन कुछ नहीं खाया था। अब उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। मुझे कौन भोजन देगा? जब मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है। वह चलते चलते गांव के मंदिर पहुंचा। चलो रात यहीं काट लेता हूँ। सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएगा, तो उससे प्रसाद लेकर खा लूँगा। राजू मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। रात बीती, सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से दरवाजे खोले और बाहर झाँका। राजू का भूत कहीं दिखाई नहीं दिया। सब लोग घरों से बाहर आ गए और अपने काम धंधों में लग गए। पुजारी भी प्रसाद बनाने लगा। प्रसाद बनाया, लड्डू बनाए, फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर में पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक और रख दी, फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगा। तभी राजू मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी, आज आपने बड़ी देर कर दी। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि पुजारी बाल्टी पटक कर गाँव की तरफ भागा, उसके पीछे पीछे राजू स्वामी स्वामी कहता हुआ भागा। गाँव वालों ने जब राजू को पुजारी के पीछे आते देखा, तो फिर से घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। राजू एक बार फिर अपने घर गया, लेकिन नगमा ने दरवाजा नहीं खोला। राजू मंदिर में लौट आया और पुजारी जो प्रसाद लाया था, उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद राजू ने अपनी तरफ देखा, उसकी कमीज फट गई थी, शरीर धूल मिट्टी से सना था, बाल बिखरे थे। लोग ठीक ही मुझे भूत समझते हैं, मेरी हालत तो देखो। वह बोला, सबसे पहले रमैया धोबी से साफ कपड़े मांग कर पहनना होगा। ऐसा सोचकर राजू नदी किनारे पहुंचा। रमैया धोबी अभी आया नहीं था। राजू कपड़े धोने की भट्टी में छिपकर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर बैठकर गांव का निरीक्षण करने आया था। उसने देखा कि गांव वाले काम धंधा करने के बजाय घरों में बैठे हैं। उसने दरवाज़ा खटखटाकर गांव वालों को बाहर बुलाया और पूछा, काम धंधे के समय तुम लोग घरों में क्यों बैठे हो? गांव वालों ने उत्तर दिया, राजू चरवाहा मरकर भूत बन गया है और गांव में घूम रहा है, उसके डर से हम घरों में बैठे हैं। कोतवाल ने डांटा, कोई भूत वूत नहीं होता, चलो सब अपना अपना काम शुरू करो। सब लोग एक बार फिर घरों से निकलकर अपने अपने काम पर लग गए। रमैया धोबी भी घाट की तरफ चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वह भी घोड़े पर सवार नदी की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों घाट पर पहुंचे, राजू भट्टी में से उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे रमैया, कहाँ थे आप अब तक? मैं कब से भट्टी में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इतना सुनना ही था कि रमैया सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भागा। कोतवाल भी सरपट घोड़ा दौड़ाता गांव से दूसरी तरफ भागा। गांव वाले फिर घरों में घुस गए। राजू ने धोबी के कपड़ों में से एक साफ कमीज और पैंट निकाली, फिर नदी में जाकर नहाया, साफ कपड़े पहने और अपने घर की तरफ चल दिया।
घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, नगमा दरवाज़ा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ। अरे जब मैं मरा ही नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूँ। नगमा अंदर से बोली, हमने तुम्हें मरा हुआ देखा था, ना तुम सांस ले रहे थे ना हिल डुल रहे थे। राजू ने कहा, मैं समझा था कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए मैं सांस रोककर बिना हिले डुले लेट गया था। असल में एक यात्री ने मुझे एक सूत का धागा दिया था और कहा था कि जिस दिन यह धागा खो जाएगा उस समय मैं मरने वाला हूँ, तुम दरवाज़ा खोलकर देखो तो मैं मरा नहीं हूँ, जीवित हूँ। नगमा ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला, सामने राजू नहाया धोया साफ कमीज और पैंट पहने खड़ा था। नगमा ने सोचा यह भूत नहीं लग रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर राजू को छुआ और जोर से चिकोटी काटी। राजू चिल्लाया, नगमा समझ गई कि राजू भूत नहीं है। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर कर लिया, उसे भरपेट खाना खिलाया, राजू खा पीकर सो गया। फिर नगमा गांव की तरफ चल दी सबको बताने के लिए कि राजू भूत नहीं है।